तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है अर्थमेटिक मीन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इस सिचुएशन में हम लोग कैसे अर्थमेटिक मीन को निकालेंगे। अब आज मैं इस पे एक दो क्वेश्चंस और कराता हूँ जिससे चीजें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन है कि देयर आर एन अर्थमेटिक मीन, देयर आर एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 27, 3 और 27 के बीच में, 3 और 27, 27 के बीच में एन अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने मान लिया कि x1, x2, x3 डॉट 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 xn-1 और xn। तो 3 और 27 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन हो गए, n अर्थमेटिक मीन हो गए। कौन कौन सा, x1, x2, x3, x-1 और xn, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये अर्थमेटिक मीन इस तरह से है। मैं क्वेश्चन को फिर से पूरा पढ़ रहा हूँ। देयर आर एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 27 सच दैट थर्ड इज टू, सच दैट थर्ड इज टू n-1th मीन इक्वल टू 1:5। ये दिया हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ, थर्ड थर्ड इज टू n-1th मीन अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 1:5। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं कि 3 और 27 के बीच में एन अर्थमेटिक मीन है और वो इस तरह से है कि जो तीसरा अर्थमेटिक मीन है और जो n-1 अर्थमेटिक मीन है, इसका रेशियो जो है, इस टू लगाओ, इसका रेशियो किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है। तो आपको n की वैल्यू मालूम करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या है ये मालूम करना है, ठीक है। अब देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। 3 और 27 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन है, n है, तो टोटल कितने टर्म्स होंगे, तो n+2 टर्म्स होंगे हमारे पास। n अर्थमेटिक मीन ये, या मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा, ये हो जाएगा t2, ये हो जाएगा t3 और ये हो जाएगा t4, ठीक है। और ये कौन सा होगा, tn होगा, ये आपका हो जाएगा tn+1 और ये हो जाएगा tn+2। हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हो गए, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 और 27 के बीच में n अर्थमेटिक मीन है, तो n टर्म्स तो ये हो गए अर्थमेटिक मीन वाले, n टर्म्स हो गए तुम्हारे अर्थमेटिक मीन वाले, और दो टर्म ये 3 और 27, तो n+2 कितना हो जाएगा, टोटल आपके पास n+2 टर्म्स हो गए। कितने टर्म्स हो गए, n+2। कैसे, तो 3 जो है पहला टर्म हो गया, x1 जो है दूसरा टर्म हो गया, x2 जो है तीसरा, x3 जो है चौथा, ठीक है। और इसी तरह से t, अगर ये n+2 टर्म्स होंगे क्योंकि n टर्म्स ये, और उसमें 3 और 27 दो टर्म और जोड़ देंगे, टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, n+2। तो उससे पहले वाला टर्म जो होगा वो क्या होगा, n+1, उससे जो पहला टर्म होगा वो क्या होगा, n होगा, ठीक है। तो आपके पास कितने टर्म्स हो गए, tn+2। अब क्वेश्चन में क्या कहा, तो हमारे पास फार्मूले से tn+2, हम लोग फार्मूले से निकाल सकते हैं tn+2, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tn+2 की वैल्यू कितना है,
टी एन प्लस टू की वैल्यू क्या है 27 है, अंतिम टर्म जो है वो टी एन प्लस टू है उसकी वैल्यू क्या दिया है 27, तो टू एन प्लस टू इज इक्वल टू 27, ठीक है। और पहला टर्म कौन सा है, तीन है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू 3। और टी एन का फार्मूला हम लोग को मालूम है, टी एन का फार्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एन माइनस वन डी, ठीक है। तो टी एन प्लस टू क्या हो जाएगा, तो एन के जगह पे एन प्लस टू रख देंगे, तो टी एन प्लस टू, टी एन प्लस टू इज इक्वल टू ए प्लस एन के जगह पे एन प्लस टू रख देंगे, तो एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए प्लस एन एन प्लस वन डी, यही होगा। तो हमें यहां पे इसकी वैल्यू रख दे हम लोग, टी एन प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन प्लस वन एन प्लस वन डी इज इक्वल टू 27। और ए की वैल्यू हम लोग को मालूम है, ए इज इक्वल टू क्या है 3 है, तो ए की वैल्यू हम लोग रख देंगे, यहां मैं सीधे रख दिया 3, तो 3 प्लस एन प्लस वन डी इज इक्वल टू 27, तो 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा 24, तो एन प्लस वन डी इज इक्वल टू 24, तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ये हो गया, हमें डी की वैल्यू मिल गया हम लोग को। अब देखो, अब हम लोग को मालूम करना है एन की वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को मालूम करना है। यहाँ पर हमको एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो थर्ड मीन है और एन माइनस वन एथ मीन जो है, इन दोनों का रेशियो क्या है 1:5 है। तो थर्ड मीन कौन सा होगा, एक्स थ्री होगा, कितने मीन है, तो x1, x2, x3, x4 up to xn, n means है, तो थर्ड मीन कौन सा टर्म होगा, फोर्थ टर्म होगा, पहला टर्म हो गया 3, x1 हो गया दूसरा टर्म, x2 हो गया तीसरा टर्म, और जो x3 होगा वो कौन सा होगा, चौथा टर्म। तो t4 जो होगा वो क्या होगा, t4 जो होगा वो होगा हमारा थर्ड मीन, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, n माइनस वन एथ मीन, तो n माइनस वन एथ मीन तो ये है, और ये टर्म कौन सा है, tn है, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये n प्लस टू लास्ट टर्म तुम्हारा टोटल कितने है, n प्लस टू टर्म है, उससे पहले वाला टर्म कौन सा होगा, तो इसमें से एक कम, तो n प्लस वन, इससे पहले कौन सा टर्म होगा, तो tn होगा, tn टर्म कौन सा है, तो तुम्हारा n माइनस वन एथ मीन है, तो तुम्हारा जो tn होगा वो क्या होगा, tn जो होगा वो हमारा क्या होगा, n माइनस वन एथ मीन, ठीक है। अब देखो यहां से t4 का फॉर्मूला हमको मालूम है, ये क्या हो जाएगा a प्लस, यहाँ पर n की वैल्यू 4 रख देंगे, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, तो a प्लस 3d जो होगा, a प्लस 3d क्या होगा, वो थर्ड मीन होगा। मैं इतना डिटेल में समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड मीन हो जाएगा। और इसी तरह से यहां से अगर हम लोग आए, तो tn का फार्मूला हमको मालूम है, a प्लस n माइनस 1d, तो a प्लस एन माइनस वन डी, ये हो गया हमारा टी एन, और ये कौन सा चीज है, एन माइनस वन एथ,
अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस टू का मतलब क्या होता है, रेशियो, मतलब थर्ड मीन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन एच मीन इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय फिर। जब भी यहाँ पे ये दो बिंदु इस टू का वो लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है, रेशियो, मतलब डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, थर्ड मीन को डिवाइड कीजिए एन माइनस वन एच मीन, तो थर्ड मीन ये है तो इसको डिवाइड करें तो ए प्लस थ्री डी को हम लोग डिवाइड करेंगे, थर्ड मीन यही है, ए प्लस थ्री डी डिवाइडेड बाई एन माइनस वन एच मीन, तो एन माइनस वन एच मीन ये है, तो ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू, ये देखो लिखा हुआ है थर्ड मीन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन एथ मीन इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू लिख दिए वन डिवाइडेड बाय फाइव। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो फाइव टाइम्स ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू हम लोग ले लें, ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, थ्री है, तो ये हो जाएगा फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री डी इज इक्वल टू थ्री प्लस एन माइनस वन डी। डी वाले पे एक साथ रख लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन डी इज इक्वल टू थ्री प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ये बार ये थ्री इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पंद्रह में से तीन चला जाएगा तो ये बचेगा हम लोग प्लस ट्वेल्व, और इस फिफ्टीन को उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा एन माइनस वन डी माइनस फिफ्टीन डी, दिस इज इक्वल टू ट्वेल्व इज इक्वल टू डी को कॉमन ले लें हम लोग, तो डी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा एन माइनस वन ये वाला टर्न और माइनस फिफ्टीन, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा आपका 12 इज इक्वल टू डी टाइम्स डी टाइम्स, ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये माइनस होगा तो माइनस वन माइनस फिफ्टीन क्या हो जाएगा माइनस सिक्सटीन, तो एन माइनस सिक्सटीन। ठीक है, तो 12 अब और डी की वैल्यू, अब हम लोग यहां से डी की वैल्यू ले लें तो दिस इंप्लाई 12 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू डी की वैल्यू में लिख लें 24 डिवाइडेड बाय एन प्लस वन एन प्लस वन इनटू एन माइनस 16 एन माइनस 16 12 से हम लोग कर दें तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 12 2 या 24, this implies 1 is equal to 2 times n minus 16. Divided by n plus 1. Cross multiplication किया जाए
तो ये हो जाएगा एन प्लस वन इज इक्वल टू टू एन माइनस एन इंटू टू, टू एन हो जाएगा माइनस 32। इस 32 को उठा के इधर लाया जाए तो ये प्लस वन है और ये माइनस 32 क्या हो जाएगा प्लस 32, तो ये हो जाएगा प्लस 33 इज इक्वल टू, ये 2n है ये इधर आएगा तो माइनस n हो जाएगा, तो 2n माइनस n, तो 2n में से 2n में से एक n चला गया तो आपका बचा n, तो तो ये बचा आपका 33 इज इक्वल टू एन या एन इज इक्वल टू 33, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था एन की वैल्यू मालूम करना है तो हम लोगों ने एल की वैल्यू मालूम कर दिया। किसी को अगर कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है आगे बढ़े। यस सर। ठीक अगला क्वेश्चन है कि सम ऑफ थ्री टर्म्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स इन एपी, एपी के थ्री टर्म्स का सम इज 15, सम ऑफ थ्री टर्म्स इन एपी इज 15, 15 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 105, फाइंड नंबर्स। ठीक है, कहा जा रहा है कि कोई एपी है और उनके तीन टर्म्स का जो सम है वो 15 है और उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पर, उन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पर उसकी जो वैल्यू है वो है 105। तो आपको उन तीन टर्म्स को मालूम करना है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो जो तीन टर्म्स हैं वो है a माइनस डी, फिर इसमें a जोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉमन टर्म जोड़ देंगे तो अगला टर्म हो गया a, और फिर इसमें d जोड़ दिए कॉमन तो ये हो गया a प्लस डी। ये तीनों के तीनों टर्म्स जो हैं a a a माइनस डी, a और a प्लस डी ap में है या नहीं है, तो ap में है क्योंकि a माइनस डी और a के बीच में भी डिफरेंस d का है और a प्लस डी के भी डिफरेंस क्या है d का है, इसका मतलब ये तीनों ap में है। अब क्या कहा जा रहा है कि उनके तीन टर्म्स का सम जो है 15 है, इन तीनों टर्म्स को अगर जोड़ेंगे तो माइनस डी से क्या हो जाएगा प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, या मैं कह ही दे रहा हूँ a माइनस डी जोड़ रहे हैं, a माइनस डी प्लस a दूसरे टर्म को जोड़ दिया प्लस तीसरे टर्म को जोड़ दिया a प्लस डी, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये इसकी वैल्यू है 15, तो हमारा ये माइनस डी से ये प्लस डी कैंसिल हो गया तो क्या मिला 3a इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया a इज इक्वल टू 5। ठीक है, a की वैल्यू हमें क्या मिल गया 5 मिल गया। अब हमको d मालूम करना है a इज इक्वल टू 5। अब दूसरा कंडीशन ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 105 है, उसकी वैल्यू 105, प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी में मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग दूसरे वाले टर्म का तो ये है a, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने तीसरे वाले टर्म का a प्लस डी,
और इसका वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 105, तो 105 लिख दिया। ठीक है, अब देखो ए को मैं आगे में लिख लेता हूँ, इस वाले ए को मैंने क्या किया आगे में लिख लिया, तो ये हो गया ए इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 105। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस, दिख रहा है ना स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, ये तो ये होता है ए माइनस बी। यस सर। हाँ और नीचे लिखूं? हाँ सर हो रहा है स्क्रीन शेयर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया a और d के जगह पे हमारा b है, तो ये क्या हो जाएगा a टाइम्स, अगर हम लोग इससे कंपेयर करें तो क्या है a के जगह पे तो a है b के जगह पे d है, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ठीक है ना, और ये हो गया 105 के बराबर है, तो हमने लिख दिया 10, दिस इज इक्वल टू 105। ए की वैल्यू हमको मालूम है 5 है, तो ए की वैल्यू अगर दिया जाए हम लोग, तो ए की वैल्यू मैंने 5 लिख दिया, तो 5 टाइम्स ए स्क्वायर या यहाँ पर भी 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 105। 5 से डिवाइड कर देंगे हम लोग तो यहाँ डिवाइड कर दिए 5 से, तो ये हो जाएगा 21। तो माइन अब देखो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो हम लोग फिर इसको सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर को इस साइड में लेते जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 21 को इस साइड में लेते जाए तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 21 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर को मैं इस साइड में ले आया हूँ तो ये पॉजिटिव हो गया, 21 किधर ले गए तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये 25 में से 21 चला जाएगा तो ये बचेगा 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, या डी इज इक्वल टू अंडर रूट 4। और जब भी कोई चीज अंडर रूट में होता है तो उसकी वैल्यू प्लस और माइनस दोनों होता है, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि माइनस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और प्लस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो डी की वैल्यू प्लस 2 और माइनस 2 दोनों हो गया। अब हम लोग उन तीनों टर्म्स को निकालते हैं, तो अगर हमने d की वैल्यू प्लस 2 लिया और a की वैल्यू 5 है तो पहला टर्म कौन सा होगा a माइनस d, तो 5 माइनस d, d की वैल्यू हमने प्लस 2 लिया है तो 5 माइनस 2, दूसरा टर्म क्या है a है तो दूसरा टर्म होगा 5, और तीसरा टर्म है a प्लस d, तो a की वैल्यू 5 लिए और d की वैल्यू प्लस 2 लिए है प्लस वाला, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7, तो हमें क्या मिलेगा 357, 357 एपी में होगा कि नहीं होगा, तो ये एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 का है, तीनों को हम सम कर दें तो 3 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और तीनों का प्रोडक्ट कर दें तो ये कितने के बराबर आएगा 105 के। अब अगर मैं डी की वैल्यू माइनस ले लूं,
अगर डी की वैल्यू मैंने माइनस टू अब लिया तो पहला टर्म क्या होगा, ए की वैल्यू फाइव, तो फाइव माइनस माइनस टू पहला टर्म ए माइनस डी, दूसरा टर्म ए, तो दूसरा टर्म हो गया हमारा फाइव, ए की वैल्यू फाइव, और तीसरा टर्म है ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू फाइव और डी की ए प्लस और डी की वैल्यू माइनस टू लिया थे, यहाँ पर मैंने माइनस टू लिख दिया। तो माइनस यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइव प्लस टू इज इक्वल टू सेवन, तो ये हो गया सेवन, दूसरा हो गया फाइव और तीसरा हो गया थ्री। इन तीनों को भी जोड़ो तो 15 आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपका 105 आएगा। तो हम चाहे इसको भी लिख सकते हैं आंसर और चाहे तो इसको भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सम ऑफ फोर टर्म्स इन एपी इज 16। कोई एपी है, उनके चार टर्म का सम जो है वो 16 है, और एंड सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एक्सट्रीम टर्म, उसके जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उनके स्क्वायर का सम इज 50, वो 50 है। क्वेश्चन है कि कोई एपी है, उनके चार टर्म का सम जो है वो है 16, और उनके जो किनारे के दो टर्म हैं उनका स्क्वायर करके अगर उन दोनों टर्म्स को जोड़ते हैं तो वो है 50। तो देखो हमने मान लिया कि हमारे जो टर्म है वो कौन कौन से हैं, ए माइनस थ्री डी, इसमें फिर हमने टू डी जोड़ दिया तो क्या टर्म होगा आपका, इसमें फिर हमने टू टर्म्स टू डी जोड़ दिया तो हमारा मिलेगा ए माइनस डी, फिर इसमें टू डी जोड़ दिए तो हमें मिलेगा ए प्लस डी, और फिर इसमें टू डी जोड़ दिए तो हमें मिलेगा ए प्लस थ्री डी। ठीक है, तो हमने ये एपी में है कि नहीं, एपी में है क्योंकि इसके और इसके बीच का डिफरेंस भी टू डी है, इसके और इसके बीच का भी डिफरेंस 2d है, इसके इसके भी डिफरेंस 2d है, तो ये AP में है। हमने ऐसा क्यों लिया, इसलिए लिया कि क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके चार टर्म का सम 16 है, तो ऐसा लें जिससे कि जोड़ने पर d वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए। इसलिए देखो मैंने इसको लिया, माइनस थ्री डी से ये प्लस थ्री डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें केवल a बचेगा, तो हमको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हमने ये मान लिया कि ये एपी में है, ये किस में है, एपी में है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, टू डी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका सम जो है वो क्या है, 16 है, तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस थ्री डी पहला टर्म प्लस ए माइनस डी दूसरा टर्म प्लस ए सॉरी प्लस तीसरा टर्म जो है वो है, प्लस ए प्लस डी तीसरा टर्म प्लस ए प्लस थ्री डी चौथा टर्म, और इन चारों टर्म का सम क्वेश्चन दिया गया है कि इसकी वैल्यू है 16, 16, तो मैंने इज इक्वल टू 16 लिख दिया। ए माइनस थ्री डी से ए ये थ्री डी कैंसिल हो गया और ये माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास केवल ए वाले टर्म्स बचे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a इज इक्वल टू 16, तो ए इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, ए इज इक्वल टू मिल गया हम लोग को 4, ए की वैल्यू मालूम चल गया 4। अब हमको किस चीज की वैल्यू मालूम करना है, डी की,
अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। तो ये एक एक्सट्रीम टर्म हमारा ये है और दूसरा एक्सट्रीम टर्म हम लोग का कौन सा ये है, इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ जो है सम जो है वो 50 के बराबर है। तो a माइनस 3d स्क्वायर प्लस a प्लस 3d स्क्वायर यही होगा उसके एक्सट्रीम टर्म का स्क्वायर, और बीच में मैंने प्लस साइन लिख दिया तो उसका सम हो गया, और ये दिया हुआ दिस इज इक्वल टू 50, तो मैंने इसको 50 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। अब बोलो ना, a प्लस b स्क्वायर का हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फार्मूला होता है। और उसी तरह से a माइनस बी का भी फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, तो देखो ये वाला जो टर्म है कंपेयर करो तो a के जगह पे a है लेकिन यहाँ माइनस है, और b के जगह पर क्या है 3d है, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, b इज इक्वल टू 3d हो गया। तो हम लोग जहां जहां b होगा वहां 3d ले लेंगे। तो देखो ये हो गया a और ये वाला टर्म हो गया हमारा b। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया, b की वैल्यू क्या है 3d है तो 3d का स्क्वायर, फिर फार्मूले में क्या माइनस टू टाइम्स ए बी, तो माइनस हमने कर दिया 2, a की वैल्यू a ही है और b की वैल्यू क्या है b इज इक्वल टू 3d, तो यहाँ पे मैंने 3d लिख दिया। ठीक है, तो इस वाला स्क्वायर वाला टर्म हम लोगों ने पूरी वैल्यू इसको यहाँ लिख दिया। अब इस वाले को देखो ये जो है किस फॉर्म में, a प्लस बी, इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, और इस वाले फार्मूले को हम लोगों ने यूज किया था क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा था। तो अब प्लस वाले में फार्मूले में क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू क्या है 3d है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस फार्मूले में क्या है 2 टाइम्स ए बी, तो 2 टाइम्स ए और बी के जगह पे क्या है 3d है, तो मैंने 3d ले लिया इज इक्वल टू 50। तो देखो ये देखो 3 × 2 6 हो जाएगा, 6ad माइनस है और ये 6ad प्लस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और 3d स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3d स्क्वायर। इस 3d स्क्वायर को और इस 3d स्क्वायर को जोड़ेंगे तो दो बार हो जाएगा, 2 टाइम्स हो गया, दिस इज इक्वल टू 50। 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर दो को हम लोगों ने कॉमन ले लिया है इज इक्वल टू 50, तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो यहां पे क्या बचेगा 25।
तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ये वाला, और ये 3d का स्क्वायर है, तो 3d का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9d स्क्वायर, 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो 9d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाइन डी स्क्वायर, ए स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 25 माइनस ए स्क्वायर, इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, ए की वैल्यू क्या है 4, तो ए की वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो 9 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ये 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9, तो डी इज इक्वल टू क्या, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1, तो प्लस माइनस 1, डी की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा। तो पहला टर्म हम लोग का था ए माइनस 3d, दूसरा टर्म था हम लोग का ए माइनस डी, इसके बाद वाला टर्म था हम लोग का ए प्लस डी और a प्लस 3d। क्या कहा जा रहा, अगर a की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 4, a की वैल्यू 4 ले लिए और d की वैल्यू मान लो प्लस 1 ले लिए, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस d की वैल्यू प्लस लिए तो 3, ये हो जाएगा 4